गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए सुबूर और सुबूर की बेटी का। जैसा कि मैं बता रहा था, पहले से भी बताया, मैं ऐसा कुछ तो दिखा नहीं सकता, जो है वही दिखाऊंगा। हालांकि वक्रू है, बहुत ज़्यादा प्यारा जगह है। मेरे ठीक पीछे दुकान लाइन है, अब तक खुल नहीं रहा, इक्का दुक्का खुला है। तो यही सब दिखा रहा हूँ, यही सब अपनी गुजारा। ये लाइन से दुकान सभी खुल चुका है, तो अपना बाजार है, अपना प्यारा वक्रू है। 30 साल मैंने लगभग गुजार दी आगे पीछे इधर उधर करके। मैं बताऊँ आपको कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सलीट लग, अपने गांव से भी अच्छा यहाँ लगता है मेरे को। तो क्या कहूँ, मज़ा तो बहुत आता है। आप देख सकते हो किस तरह से सेटिंग हो चुका हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न यही होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे ठीक पीछे वक्रू मंदिर है, वक्रू मंदिर है, आप सभी दर्शन कर सकते हो आने से। ये नीचे लाइन है। यार मैं एक बात बताऊँ, मेरे इससे दोस्त लोग होते हैं काफ़ी लोग, जब भी आते हैं या आकर गजा वक्रू में कभी कभार आकर जाते हैं, तो जाने के बाद कभी मैं बैठ होती है, उनसे मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि भाई हम वक्रू जा कर के आया, तेरे को नहीं मिला, तो किधर रहता है। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात को हो जाता है, जिसकी आप देख सकते हो। तो ये नीचे लाइन है, ये मेन रोड है, हाईवे रोड है सीधा, तो सामने पीछे ब्रिज है। तो ऊपर से इधर से ऊपर होना पड़ता है, ऊपर जा कर के वहाँ में बाजार है, नीचे में भी है, ऊपर में थोड़ा अलग टाइप से आप पूछना पड़ेगा। गंदी मूर्ति जब भी आया करो, गंदी का स्टेचू होता है, वहाँ मेन बाजार लगती है। आप देख सकते हो इधर से ऊपर उठना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वाला चीज़ है, आप पूछना पड़ेगा जब भी अगर अब वक्रू आते हो तो यही। और मेरे ठीक पीछे देख सकते हो सुंदर भिखारी फूल रखा है यहाँ, और काफ़ी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर का जो है काम, नीचे में तो कॉम्प्लीट हो रखा है जैसे मुझे लग रहा है। तो मेरे ठीक पीछे ये है तिनाली। यार देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है, शानदार है, वक्रू ब्रिज है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, यही है वक्रू ब्रिज। अक्सर यहाँ से लोग जो है मेरे ठीक पीछे जो जगह है ना सिनारी, वहाँ से फोटो खींचा करते हैं। तो मेरे ठीक पीछे पहाड़ से आते हुए गिरता हुआ झरना, जैसे कि वक्रू नदी कहा जाता है इसको, छोटा सा है मगर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पहाड़ी को वादियों के बीच ये जो नदी है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो, बैक साइड है वक्रू ब्रिज का, वक्रू नदी का। तो ये जाकर के घुसती है आगे जाकर कमलंग रिवर जो है उसी में ज्वाइन हो जाती है, उसके बाद आगे जाकर के फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी में लोहित रिवर कहा जाता है उसी को ज्वाइन करती है, और वहां से फिर आगे आसाम के लिए निकल पड़ती है दोस्तों। तो मेरे ठीक पीछे आप देख ही सकते हो कितना शानदार नजारा है। ये रास्ता जाता है परशुराम कुंड की ओर, उधर से जाकर के आप तेजू हाइलम वगैरह जा सकते हो। अब मेरे ठीक पीछे से देखते हो ये सीढ़ी बनी हुई है, ये जो सीढ़ी बनी है मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाओ तो यहाँ में इक्का दुक्का बम्बू वगैरह कुछ लगा, ये जो रास्ता जाती आगे जाकर के यहाँ सैटरडे बाजार लगती है, जैसे कि मैदो में होता है संडे बाजार, इस तरह का हफ्ता का जो बाजार होता है इसमें लगा करती थी बाया करता था, जो कि अब नहीं होता, कभी कभार इक्का दुक्का आ जाता है। तो ये रहा मेरे ठीक पीछे परशुराम का रास्ता, हुआ देख सकते हो हरी भरी, उसके बाद निश्चल देख रहे हो सीनरियो, ये पर्यावरण का कितना सुंदर शानदार नमूना है, जो कि काफी अच्छा है, काफी खूबसूरत है। अगर मैं दिखा सकूं तो आपको, देख सकते हो वक्रू ब्रिज मेरे ठीक पीछे बोर्ड लगा हुआ है, और ये देखिए कितने शानदार है वक्रू ब्रिज हमारा, वक्रू ब्रिज कितना सुंदर है, उसके साथ साथ जो बिल्डिंग का जो सीनारियो आ रहा है काफी सुंदर है, इसको और भी खूबसूरत बना रहा है, और पहाड़ी तो पीछे है ही है, तो देखिए कितना सुंदर है वक्रू ब्रिज, है ना शानदार। तो ये रहा, सोचा थोड़ा सा सवेरे को बच्ची को लेकर के मैं क्या है थोड़ा सा घूमने को निकला हूँ, तो जिसके चलते जैसे कि पहले होता ये था, दुकान बंद करने के बाद शाम को बच्ची को लेकर निकलता था। अब क्या हुआ, यहाँ में लेपर्ड यानी कि चीता बाघ निकल गया दो चार को, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कल को एक पकड़ लिया गया, वाइल्ड लाइफ को टैंक्स वाइल्ड लाइफ का लोगों ने पकड़ा ऐसे सुना। तो इसी के चलते थोड़ा सा राहत मिली है, मगर खतरा अभी टाला नहीं है, आप सभी सावधान रहे, सेफ रहे, एक पकड़ लिया गया ऐसा खबर सुनने मिला।
और दूसरी एंगल से अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से दिखता है वाटर ब्रिज, देख सकते हो आप, शानदार है ना। तो साथ ही साथ ये सब बिल्डिंग हो रखा है, काफी अच्छी अच्छी बन रहा है, वाको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इधर से दिखाऊं तो ऐसा दिखता है, यहाँ तिनाली है, चौ तीन कुनिया है जो कि वाको का नीचे पड़ता है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो, कोई आदमी आ रहा है ना, उसी से ऊपर को जाकर के वाकरो का मेन बाजार है, ठीक पीछे वाकरो डेट है, यानी कि बीआरओ जो का कैंप जो है वही है। तो मेरे पीछे अब ये ही देख सकते हो, ये ब्रिज का इधर से गुजरता हुआ ये छोटा सा बाजार है, तो ये है सुंदर है यार। नीचे एक होटल भी है, आप कभी बाहर से आओ तो यहाँ आप खाना पीना ये सब नाश्ता पानी कर सकते हो। आप कभी भी अपना गाड़ी को वॉश करना, सर्विसिंग सेंटर, यहाँ गाड़ी धुलाया जाता है। और ऐसा सुनने भी मिलता है कि यहाँ पंचर जो है इसको भी किया जाता है, अब पता नहीं क्या है नहीं है, मैं नहीं जानता। मोटा मोटी एक गाड़ी का सर्विसिंग सेंटर इधर है नीचे, मेरे पीछे देखिए कितनी शानदार है यार, काफी नेचुरल ब्यूटी है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रही है, अपनेस यानी कि प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, काफी शानदार स्कूल है, बच्चों के लिए है। और इधर मेरे पीछे एक होटल भी दिख सकेगा आपको। यहाँ जो है अब आते हो काफी अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, यहाँ काफी अच्छा अच्छा डिशेस वगैरह होता है यहाँ, तो सोचा ये भी बताता चल। अब देख सकते हो कितने शानदार ब्यूटीफुली इस पेड़ को लगाया गया सिनेरियो का। इधर पीछे मंदिर है, मंदिर के साथ साथ आपको स्कूल भी है, शानदार स्कूल है, अपने स्कूल जो है वही है। तो अब देख सकते हो कितनी शानदार सिनेरियो। और मैं पीछे आगे दिखाऊं तो ये आगे जाकर के ये बाजार के रोड के साथ जॉइन हो जाता है। और अब देख सकते हो मेरे ठीक पीछे मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ, चलते चलते चढ़ाई है, हालांकि आप है जगह यार। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को, मेरा जो पेज है ना उसको फॉलो कर दीजिए यार, ऊपर में है लिखा होता है ग्रीन कलर का, और शेयर देख कर दिया करें। मुझे मालूम है मैं उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाता, अभी तो शुरुआत है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा करूँ, मुझे पता नहीं मैं अच्छा नहीं करता। तो आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे ये रहा गवर्नमेंट ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ तिनकुनिया होता है ऊपर जा करके बैंक वगैरह, तो कभी दिन उसको भी दिखाऊंगा। और ठीक पीछे वाकरू बाजार मेन जो बाजार है वही है। और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा वो रहा आपका गवर्नमेंट स्कूल का। इधर में कुछ कोऑपरेटिव है, इधर में वाकरू फार्मेसी है, वाकरू मेन बाजार में फार्मेसी होता है, फार्मेसी काफी अच्छा है। और मेरे ठीक पीछे ये रहा बाजार, ना वाकरू का सूरत हाल आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है सवेरे सवेरे। देख लो दोस्तों कदम बस आ खड़ी है, हमारा बाजार लाइन सब खुल चुका है। और एक चीज आप सबको दिखाऊं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ मैं काफी थबड़ थबड़ था, अप डाउन था, जो कि इसको बनवा दिया गया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। तो ये रहा कालवर्ट बना करके खत्म हुआ, आगे तरफ सब तरफ ये वही भी आता हुआ, तो सोचा तो इतना तक करके अपना प्लग यही खत्म करता हूँ। जय हिंद।